हमारा आज का लेक्चर 5 असाइनमेंट, ये असाइनमेंट 2 आपको मैंने बता दी है, व्हाट इज स्टोइसिज्म एंड डिस्क्राइब हेनरी द प्रोटेगनिस्ट ऑफ अ फेयरवेल टू आर्म्स एज ए स्टोइक। इस पे आपने सोचना है, लिखना है, आज के लेक्चर में भी इसको मेंशन होगा, ये चीज़ें आज मेंशन होंगी लेक्चर 5। तो अप टिल नाउ हमने चैप्टर 9 तक के इवेंट्स और उन पर एनालिसिस कर दिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 10। और लास्ट चैप्टर में हमें पता चला था एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, कुछ वुंडेड हो गए थे। तो उससे आगे हम देखते हैं कि हमारा जो मेन हीरो है, मेन करेक्टर है, मरकजी किरदार है इस नावल का, द प्रोटैगनिस्ट हेनरी, हु इज नाउ लाइंग इन द फील्ड इन द हॉस्पिटल इन द फील्ड हॉस्पिटल एट द फील्ड हॉस्पिटल हेनरी लाइज इन इंटेंस पेन, क्योंकि हेनरी को चोट आ गई है और वो शदीद जख्मी है, बहुत ज्यादा तो नहीं, चलिए जख्मी है, फेसिंग द पेन। सो रिनाल्डी जो उसका रूम मेट है, रिनाल्डी कम्स टू विजिट इन चैप्टर 10 टू विजिट एंड इन्फॉर्म्स हेनरी दैट ही यानी हेनरी विल बी डेकोरेटेड फॉर हीरोइज्म इन बैटल। तो वो उसे आके क्या बताता है, रिनाल्डी जो उसका रूम मेट है और जो एक डॉक्टर है, सर्जन भी है, वो आके क्या बताता है कि गुड न्यूज ये है कि ये जो तुम्हें चोट आ गई है जंग के अंदर, फ्रंट पे वो जब गए हुए थे वहां पे ब्लास्ट होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें इनको चोट आ जाती है और इनके दो साथियों की डेथ भी हो जाती है। तो उसे बताते हैं कि तुम्हें डेकोरेट किया जाएगा, यानी तुम्हें मेडल दिया जाएगा, यू विल बी डेकोरेटेड फॉर हीरोइज्म, जो तुमने यहाँ बहादुरी दिखाई है इसमें तुम्हें मेडल दिया जाएगा। हेनरी प्रोटेस्ट, ये सुनकर हेनरी हैरान रह जाता है कि मैंने तो कोई बहादुरी नहीं दिखाई, और वो आमतौर पे तो आपको पता है लोगों को डिजायर होती है कि उनको मेडल मिले, उनको चीजें मिले, बट हेनरी प्रोटेस्ट डिक्लेयरिंग दैट ही डिस्प्लेड नो हीरोइज्म, बट रिनाल्डी इंसिस्ट। अगर आप ये चैप्टर पढ़ें तो इसमें आपको ये भी आइडिया होगा कि रिनाल्डी, हाउ रिनाल्डी इज टॉकेटिव, ही कंटिन्यूसली टॉकिंग, ही कंटिन्यूसली डिस्क्राइबिंग द मेडल, द वॉर, द हीरोइज्म एटसेट्रा, अब बहुत कम चांस देता है बोलने का। लेकिन हेनरी जो है वो कहता है कि मैंने कोई बहादुरी नहीं दिखाई है, जो मेन इसमें बात है, और ये कहता है कि नहीं तुम्हें मेडल मिलेगा, और तुम्हें सुनने में आया कि ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हें सिल्वर मेडल मिले अगर तुम ये साबित कर दो कि तुमने, अगर कुछ थोड़ा बता दो और बयान दे दो कि आपने थोड़ा हेरोइक एक्ट किया था, बड़ी बहादुरी से आपने जंग में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन वो कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और बल्कि उसे बताता है कि ओरिजिनल वाकया तो ये हुआ था कि मैं तो चीज़ लेने गया था, मैं तो मैक्रोनी के ऊपर चीज़ डाल के खाना चाह रहा था, और इस एफर्ट में मैं जख्मी हो गया हूँ, और ये कोई हेरोइक एक्ट नहीं है, लिहाजा मुझे किस बात का मेडल देना चाहिए। ही लीव्स हेनरी विद ए बॉटल ऑफ कॉगनैक, कॉगनैक जो है एक शराब का नाम है, यहाँ पे आप काफ़ी टाइप की अल्कोहल्स को मेंशन होता देखेंगे बार बार, और इस पे भी हम मीनिंग देखते हैं आगे आखिर क्या इसका मीनिंग है। ये फ्रांसीसी शराब है कॉगनैक, इसमें जी समटाइम्स साइलेंट कर देते हैं, एंड प्रोमिसज टू सेंड कैथरीन टू सी हिम सून, ठीक है, उसे कॉगनैक की बॉटल देता है और उसे ये प्रॉमिस भी देता है कि मैं कैथरीन को भी भेजूंगा, और ये कि तुम्हें मेडल मिलना चाहिए और तुम्हें सिल्वर मेडल एटलीस्ट मिलना चाहिए, और ये कि तुम कुछ और बातें बता दो तुम्हें सिल्वर मेडल मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हेनरी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ द मेडल, बल्कि इन रियलिटी तो वो कहता है कि मैंने तो कोई हेरोइज्म तो दिखाया ही नहीं है, मुझे किस बात का मेडल मिलना चाहिए। तो ये चीज़ पढ़ते हुए मुझे याद आता है कि जब हमारे समटाइम आई सी द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ आवर आर्मी, समटाइम आई एक्सपीरियंस देयर फोटोग्राफ्स इन द न्यूज़पेपर और एनी वेबसाइट हैविंग लॉट ऑफ मेडल्स ऑन देयर चेस्ट। अब तक कोई जंग नहीं हुई पिछले काफ़ी अरसे से, और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इतने ज़्यादा मेडल्स की भरमार होती है, जिससे हमें मुझे पता चलता है कि इनको मेडल्स की कितनी डिज़ायर होती है, हम कितने मेडल्स सजाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं चीज़ें, वी एसोसिएट हीरोइज्म विद द वॉर। खैर, नेक्स्ट चैप्टर 11 है, एट अ डस्क द प्रीस्ट कम्स टू विजिट। तो डस्क टाइम में, डॉन टाइम में मिलने के लिए आता है रिनाल्डी उसका रूममेट, और बाद में एक और विजिटर आता है, क्योंकि हेनरी तो हॉस्पिटल में है, आरजी हॉस्पिटल जो है वहां पे है,
प्रीस्ट कम्स टू विजिट। ये प्रीस्ट वही है जिस इनिशियल चैप्टर में हम देखते हैं कि सारे फौजी जो हैं वो अदर सोल्जर जो हैं वो मिलके मजाक उड़ाते हैं प्रीस्ट का, ये वही है। ही टेल्स हेनरी दैट ही मिसेज हिम एट द मेस हॉल एंड ऑफर्स गिफ्ट ऑफ मॉस्किटो नेट, और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें बड़ा मिस करता हूँ मेस हॉल में, जहाँ पे सब लोग मिलके बैठते हैं और जोक्स करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड ही ऑफर्स गिफ्ट ऑफ मॉस्किटो नेट, उसे मॉस्किटो नेट देता है, ये जो मच्छरदानी होती है वो देता है, क्योंकि वहाँ मच्छर बहुत हैं और इस बात का वो ख्याल रखता है कि हेनरी को किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। सो बॉटल ऑफ वर्मआउथ, तो ये जो है ना, ये भी वर्मआउथ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एल्कोहल। तो आप देखेंगे कि बहुत टाइप की एल्कोहल मेंशन होगी नॉवल के अंदर फ्रीक्वेंटली, और इसका भी एक मीनिंग है। क्या अभी आपके जहन में कुछ आ रहा है कि आखिर इतनी ज्यादा एल्कोहल क्यों लोग पी रहे हैं और इतना ज्यादा क्यों इन्वॉल्व है एल्कोहलिज्म के अंदर? एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉर विच हेनरी इज ग्रेटफुल, तो तीन चीज़ों का गिफ्ट लाता है, प्रीस्ट, मॉस्किटो नेट, बॉटल ऑफ वर्मआउथ एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। हेनरी बड़ा शुक्रगुजार है कि तुम मेरे लिए ये तोहफे ला लेके आए हो। द मैन ड्रिंक एंड द डिस्कस द वार, ड्रिंक एंड डिस्कस वार, ये बड़े इवेंट कॉमन है। दे ऑफन ड्रिंक एंड दे ऑफन डिस्कस वार, डेफिनेटली वार में है तो वार को डिस्कस करेंगे, लेकिन ड्रिंक क्यों बार बार, ये अलग मीनिंग रखता है। हेनरी एडमिट्स टू हेटिंग इट, हेनरी खुलेआम एडमिट करता है, आई हेट द वार, ठीक है, ऑल दो वो वार के अंदर है। एंड द प्रीस्ट थियोराइजेस दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मैन इन द वर्ल्ड, और प्रीस्ट यहाँ पे एक आइडिया पेश करता है कि दो किस्म के लोग होते हैं, दोज हु वुड मेक वार एंड दोज हु वुड नॉट, जो लड़ाई नहीं लड़ते एक होते हैं जो लड़ाई लड़ते हैं, तो बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम द वार सो दे आर सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम दिस एंगल, बस उनके लिए दो ही किस्म के लोग हैं, जो वो जंग लड़ रहे हैं जो नहीं लड़ रहे। हेनरी रिमेंट्स दैट द फर्स्ट वन मेक सेकेंड वंस डू इट, लेकिन हेनरी फर्दर इस थीरी को आगे बढ़ाता है और लिमेंट करता है ऑन दैट रियलिटी कि जो लड़ रहे होते हैं जो नहीं लड़ रहे होते हैं उनको भी सफर करवाते हैं, एंड आई हेल्प देम। हेनरी वंडर्स इफ एंडिंग द वॉर इज होपलेस एफर्ट, हेनरी यहाँ अपना ओपिनियन देता है कि शायद वार एंड नहीं होगी इतनी आसानी से। द प्रीस्ट एश्योर्स हिम दैट इट इज नॉट बट एडमिट्स दैट ही टू हैज ट्रबल होपिंग, तो प्रीस्ट भी लेकिन थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है कि हो जाएगी सब बेहतर हो सकता है, लेकिन सम टाइम ही फील्स ट्रबल। नेक्स्ट देयर कन्वर्सेशन टर्न टू गॉड, फिर प्रीस्ट है तो उनकी बातें और हेनरी के दरमियान जो गुफ्तगु है वो खुदा के कॉन्सेप्ट की तरफ चली जाती है। एंड द प्रीस्ट डिफेंड्स हिज बिलीव्स अगेंस्ट द अदर ऑफिसर्स टीजिंग, और वो यहाँ पे डिफेंड करता है कि वो जो खुदा को मानता है और बाकी उसके इर्द गिर्द जो सोल्जर हैं वो काफी स्केप्टिक हो चुके हैं। अ मैन हु लव्स गॉड ही सेज इज नॉट ए डर्टी जोक, एंड हेनरी कैन नॉट से दैट ही लव्स गॉड, लेकिन हेनरी फुली तो नहीं कह पाता कि उसे खुदा से मोहब्बत है, बट ही एडमिट्स दैट फियरिंग हिम समटाइम्स, लेकिन वो इर्द गिर्द जो माहौल देखता है और जो एक्सपीरियंस कर रहा है तो अपने एक्सपीरियंस पे बताता है कि मुझे खौफ जरूर आता है खुदा से, मोहब्बत के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे है या नहीं। द प्रीस्ट कंक्लूड्स बाय टेलिंग हेनरी दैट ही यानी हेनरी हैज ए कैपेसिटी टू लव, हाउएवर वो जो कि एक प्रीस्ट है और एसोसिएशन विद रिलीजन है तो वो अल्टीमेटली इसी नतीजे की तरफ लेके जाता है कि हेनरी हैज द कैपेसिटी टू लव, वो अंदर है, कहता है ढूंढो तुम्हारे अंदर मोहब्बत है खुदा के लिए, तुम्हारे अंदर है ये क्वालिटी, तुम कर सकते हो ऐसा। ही मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्लीपिंग विद वेमेन एट ब्रॉथल एंड गिविंग फुली ऑफ द वन सेल्फ टू अनदर ह्यूमन बींग, उनकी बातचीत फिर मोहब्बत की तरफ आ जाती है, तो और मोहब्बत में दो किस्म के कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं, एक है लस्ट एंड वन इज द लव, एक है स्लीपिंग विद वेमेन एट ब्रॉथल्स एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है गिविंग वन सेल्फ टू अनदर ह्यूमन बींग, यानी लव और लस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है। एंड हेनरी एश्योर्स दैट इवेंचुअली ही विल बी कॉल्ड अपॉन टू लव ट्रूली, हेनरी रिमेन स्केप्टिकल, द प्रीस्ट सेज गुड बाय एंड हेनरी फॉल स्लीप, और एट द वेरी एंड हेनरी के थोड़ा बहुत फील करता है कि शायद वो ओरिजिनल लव की तरफ जा रहा है, बट ओवरऑल आप कह लें द गॉड कंसेप्ट ऑफ द गॉड कंसेप्ट ऑफ द वॉर कंसेप्ट ऑफ द वेमेन लव ऑल अबाउट हेनरी रिमेन स्केप्टिकल। नेक्स्ट हमारे चैप्टर है चैप्टर 12, देखते हैं इसमें क्या होता है। डॉक्टर्स आर एंशियस टू शिप हेनरी टू मिलान, डॉक्टर्स जो है वो इस टेम्पररी जो सेटिंग है ड्रेसिंग रूम है जहाँ पे प्रीस्ट
पट्टी वगैरह करते हैं एमरजेंसी के लिए, वो अब चाहते हैं कि हेनरी को मिलान शिफ्ट किया जाए। मिलान इज अनदर सिटी ऑफ इटली, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेर ही कैन रिसीव बेटर ट्रीटमेंट फॉर हिज इंजर्ड नी एंड लेग। उसके जो नी है, जो घुटना है नी, वो और उसकी लेग इंजर्ड है, तो वो चाहते हैं उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए जो कि मिलान में है करीब तरीन, ताकि उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। दे आर ईगर टू गेट द वाउंडेड सोल्जर फिक्स्ड अप और ट्रांसफर्ड। तो हमें ये भी नजर आता है कि जो डॉक्टर है वहां पे जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज ईगर टू द वाउंडेड सोल्जर टू फिक्स्ड और ट्रांसफर देम क्विकली। क्विकली चाहते हैं कि वो यहाँ से चले जाए, इनको भेज दिया जाए कहीं ना कहीं। वजह है उसकी कि हॉस्पिटल बेड्स विल बी नीडेड व्हेन द ऑफेंस बिगिन। अब नई जंग, नई झड़प स्टार्ट होगी, तो नया ऑफेंस स्टार्ट होगा, तो नए लोग जख्मी आ जाएंगे, तो वो चाहते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बेड खाली हो जाए ताकि उन्हें ट्रीट करने में आसानी रहे। द नाइट बिफोर हेनरी लीव्स फॉर मिलान, रिनाल्डी एंड मेजर फ्रॉम द हेनरीज कंपनी रिटर्न टू विजिट। और इससे पहले कि वो सुबह चला जाए या हेनरी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए मिलान, तो दोबारा से उनका दोस्त जो है रूममेट रिनाल्डी मिलने के लिए आता है एड एक और मेजर के साथ। अमेरिका हैज जस्ट डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, और वो अपने साथ एक खबर भी लाते हैं, एक न्यूज़ भी लाते हैं कि अमेरिका ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की, जो कि अमेरिकन है हेनरी और अमेरिका अभी तक जंग से बाहर था, तो अमेरिका ने जंग कर दी है जर्मनी के खिलाफ। एंड द इटालियंस आर वेरी एक्साइटेड एंड होपफुल। इस पर इटली के लोग बड़े खुश हैं क्योंकि वो सफर कर रहे हैं ऑलरेडी जंग से, और उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका के आने से जंग में अब उनको जल्दी कामयाबी मिल सकती है और ये जंग एंड हो सकती है। रिनाल्डी आस्क इफ प्रेसिडेंट विल्सन, यहाँ पे आपने याद रखना कि प्रेसिडेंट विल्सन उस वक्त सदर थे, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जब ये वर्ल्ड वॉर वन में अमेरिका बहुत बहुत बाद में पार्टिसिपेट करते हैं। विल डिक्लेयर वॉर ऑन ऑस्ट्रिया एंड हेनरी रिस्पॉन्स दैट विल्सन विल विद इन डेज। और वो ये भी उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ भी वो जंग शुरू करेंगे, जिनसे अभी इटालियन लड़ रहे हैं इस वक्त, और जिनकी मदद के लिए हेनरी वहाँ पे मौजूद है। और हेनरी को उम्मीद है कि प्रेसिडेंट विल्सन जो हैं वो जल्द ही ऐसा फैसला करेंगे। द मैन गेट ड्रंक, और यहाँ पे हमें फिर देखते हैं कि मैन गेट ड्रंक, यहाँ पे फिर वो शराब पीते हैं, ड्रंक हो जाते हैं, और ये चीज़ हमें फ्रीक्वेंट नजर आती है, ड्रिंकिंग, मैन ड्रिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट वॉर एंड डिसिल्यूजनमेंट, स्पेशली डिस्कसिंग द वॉर। देखें दोबारा से डिस्कशन, वार एंड ड्रिंक साथ साथ हैं, एंड लाइफ इन द मिलान। रिनाल्डी रिपोर्ट्स दैट कैथरीन विल बी गोइंग टू सर्व एट द हॉस्पिटल इन मिलान। रिनाल्डी उसके साथ ये भी एक न्यूज़ देता है कि कैथरीन भी जा रही है हॉस्पिटल मिलान में सर्व करने के लिए बहुत जल्द। बस एक उम्मीद देता है कि तुम वहाँ जाओगे, ना सिर्फ तुम बेहतर हो जाओगे बल्कि कैथरीन से भी तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। द फॉलोइंग मॉर्निंग हेनरी सेट्स ऑफ फॉर मिलान। ही डिस्क्राइब्स द ट्रेन राइड, और रास्ते में आप डिस्क्रिप्शन है इस चैप्टर के अंदर, ट्रेन से वो जब जा रहा होता है, ड्यूरिंग विच ही गेट्स सो ड्रंक दैट ही वोमिट्स ऑन द फ्लोर, और वहाँ पे वो ड्रिंक भी करता है और एक वोमिट भी करता है। तो ड्रिंकिंग जो है फ्रीक्वेंटली मेंशन हो रही है वार के साथ साथ, देखेंगे इसके क्या मीनिंग है। चैप्टर 13 में क्या मेजर इवेंट्स हैं उनको पहले देख लें। 2 days later, हेनरी अराइव्स इन मिलान। अब हेनरी मिलान में आ चुका है जहाँ पे डॉक्टर ने पता है उनको रिकमेंड किया था लास्ट चैप्टर में, हमने पढ़ा कि उसकी नी और लेग जो इंजर्ड हैं, चाहते थे बेहतर उसका इलाज हो सके, उसे हॉस्पिटल भेजना चाहिए, एक आरजी मरहम पट्टी वाली जगह उसके लिए मुनासिब नहीं थी इस, और दूसरी वजह वहाँ बेड की भी ज़रूरत है, नया ऑफेंस स्टार्ट हो सकता है। इज टेकन टू द अमेरिकन हॉस्पिटल, जहाँ पे उसे मिलान में एक अमेरिकन हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। टू एम्बुलेंस ड्राइवर्स कैरी हिम इनसाइड क्लमसिली कॉजिंग हिम ए ग्रेट अमाउंट ऑफ पेन, और दो एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो हैं वो उसको अंदर लेके आते हैं लेकिन क्लमसिली। ये भी नोट करने वाली बात है कि वो इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते कि पेशेंट को पेन हो रहा है या इंजर्ड है, तो इस बात से उन्हें काफ़ी इसको पेन सफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो लोग ज़्यादा देर काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो सेंस है, इमोशंस हैं, वो कम हो जाते हैं, और डिटैच्ड बिहेवियर आपको नज़र आता है। और ये तो जंग चल रही है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है ऐसे पेशेंट्स का, तो हम देखते हैं कि लोगों में के रवैये कितने बदल गए हैं।
इन द वर्ल्ड द मैन आर मेट बाय द इजिली फ्रेंजीड ग्रे हेयर्ड नर्स नेम मिसेस वॉकर, और अंदर उन्हें काफी फ्रेजल्ड एंड ग्रे हेयर्ड एक नर्स का सामना करना पड़ता है, मिसेस वॉकर, हु कैन नॉट गेट हेनरी अ रूम विदाउट ए डॉक्टर्स ऑर्डर्स। और हेनरी को रूम भी काफी देर नहीं मिलता कि डॉक्टर जब तक नहीं कहेंगे रूम नहीं मिलेगा। हेनरी आस्क्स द मैन टू कैरी हिम इनटू ए रूम एंड गोज टू स्लीप, और बिलाखिर वो उसे रूम मिल जाता है जहाँ पे वो आराम कर सकता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ यंग नर्स मिस गेज अराइव्स टू टेक हिज टेम्परेचर, मिसेस वॉकर रिटर्न एंड टुगेदर विद मिस गेज चेंजेस हेनरीज बेड। और वो एक और नर्स आती है मिस गेज, वो टेम्परेचर भी नोट करती है, और उसके बाद मिसेस वॉकर जो है ये दोनों मिलके इसका बेड भी चेंज कर देते हैं। इन द आफ्टरनून द सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल मिस वैन कैम्पन अपीयर्स एंड इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ, और एक और सुपरिटेंडेंट आते हैं आफ्टरनून में जहाँ मिस वैन कैम्पन जो अपना तारुफ करवाते हैं हेनरी से, लेकिन शी एंड हेनरी टेक्स एन इमीडिएट डिसलाइक टू ईच अदर। तो उनकी बातों से पता चल जाता है कि वो कोई हारमनी नहीं है इन दोनों के दरमियान, काफ़ी सोच इनके डिफरेंट है। हेनरी आस्क फॉर द वाइन विद हिज मील्स, वो चाहता है उसके मील के साथ उसे वाइन भी मिले, हेनरी को आदत है इस चीज़ की। बट मिस वैन कैम्पन सेज दैट वाइन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे उसे ये चीज़ नहीं मिल सकती। और मिस वैन ऑब्जेक्ट करती हैं हेनरी को। लेटर हेनरी सेंड्स फॉर ए पोर्टर टू ब्रिंग हिम सेवरल बॉटल्स ऑफ द वाइन एंड इवनिंग पेपर्स, इन सब के मना करने के बावजूद कि इजाज़त नहीं है यहाँ पे वाइन यूज करने की हॉस्पिटल के अंदर, हेनरी जो है वो सीक्रेटली जो है वो किसी को भेज के सेवरल बॉटल्स ऑफ द वाइन जो है वो ले आता है साथ, पेपर के साथ अखबार भी मंगवा लेता है पढ़ने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स ऑफ द वाइन भी चोरी छुपे मंगवा लेता है। Before Henry goes to sleep, Miss Van Kempen sends him something of the peace offering, और शाम सोने से पहले रात को Miss Kempen जो है वो कुछ भेजती हैं उनके लिए, ताकि उनके दरमियान जो तलख कलामी हो गई है उसको, उनके दरमियान जो तलखी और कड़वाहट है उसको कुछ कम किया जा सके। एक ऑफरिंग भेजती है, पीस ऑफरिंग, सुलह हो सके उनके दरमियान थोड़ी सी। और वो क्या भेजती है, A glass of eggnog spiked with sherry, तो एक ग्लास भेजती है एग एग एगनॉग मीन अंडा और दूध का जो कम्बिनेशन होता है ना, एगनॉग उसे कहते हैं, हमारे यहाँ भी यूज होता है। बट इट इज़ स्पाइक्ड विद शेरी, शेरी जो है ये फिर एक वाइट जो ग्रेप्स होते हैं उनकी शराब है, वो थोड़ी सी मिक्स होती है एगनॉग के अंदर, जो मिस कैंपर का ख्याल है कि इनके लिए ट्रीटमेंट में हेल्पफुल रहेगा एगनॉग जो है, यानी दूध और अंडा जो है वो मिक्स करके। लेकिन यहाँ पे फिर एक बात नोट करने वाली है, वो शहरी का जो मेंशन होना है, एक और टाइप की जो अल्कोहल है, अब तक हमने देखा डिफरेंट काइंड ऑफ द अल्कोहल जो है यहाँ पे मेंशन हुई है। सो अभी हमने इवेंट्स देखे हैं चैप्टर 10 to 13, 10, 11, 12 and 13, तो अब इनका एनालिसिस देखते हैं, इनकी मीनिंग देखते हैं, दोबारा जाते हैं उन्हीं वाक्यात की तरफ जो अभी थोड़ी देर पहले मेंशन हुए हैं। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है एनालिसिस सेम चैप्टर्स का, उन्हीं इवेंट्स के हम डिफरेंट मीनिंग को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं, हेनरीज अन इमोशनल रिएक्शन, व्हाट वी नोटिस अन हेनरी जो है उसका बहुत से मामलात में जब प्रीस्ट के साथ उसकी डिस्कशन है, रिनाल्डी के साथ है, या और कुछ इंसिडेंट्स में हम देखते हैं अन इमोशनल रिएक्शन है। बीइंग ए वुंडेड फर्दर डिस्प्लेज हिज स्टोइसिज्म, और हमें इस चीज़ के अंदर एक चीज हेनरी के अंदर हम नोट करते हैं विच इज कॉल्ड स्टोइसिज्म। ही एग्जिबिट्स नीदर डेस्पेयर एट द वाउंड इटसेल्फ नॉर एक्साइटमेंट एट रिनाल्डीज प्रोमिस दैट द वाउंड विल ब्रिंग हिम ग्लोरी, जब रिनाल्डी उसे कहता है कि तुम्हें मेडल देने का फैसला किया गया है इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से, कि तुम्हें जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, तुम अगर थोड़ा सा और वाक्या डिटेल से बता दो तो क्या तुमने बहादुरी से कैसे जंग में पार्टिसिपेट किया और कैसे जख्मी हुए हो, तो हम तुम्हें सिल्वर मेडल दिलवाएंगे, हम चाहते हैं तुम्हें सिल्वर मेडल मिले। तो लेकिन हेनरी का यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है ग्लोरी में, मेडल में, नाम बनाने में, कि मुझे मेडल मिला था जंग के अंदर, जैसे लोग जंग के बाद जा रहे हैं लोगों को दिखाते हैं हमें शील्ड मेडल और ये चीज़ें कैसे मिली हैं। लेकिन हेनरी हमें
नॉन इंटरेस्टेड नजर आता है, अनइमोशनल उसका एटीट्यूड है। और इवन वो एक ट्रू स्टोरी बताता है कि वो तो चीज लेने के लिए मैक्रोनी ले रहा लेकर आ रहा था, और यार ये चीजें की एफर्ट में उन लोगों को चोट आई है, जख्म आए हैं। एज इज कन्वर्सेशन विद रिनाल्डो मेक्स क्लियर ही हैज नो इंटरेस्ट इन बीइंग डेकोरेटेड विद मेडल्स, यानी इसे कोई दिलचस्पी नहीं है कि उसे डेकोरेट किया जाए। डेकोरेटेड विद मेडल आर्मी की टर्म है, यानी यू विल बी डेकोरेटेड, समटाइम दे यूज दिस एक्सप्रेशन टू टॉक अबाउट द डेकोरेशन ऑफ द मेडल डिस्पाइट हेनरीज अलूफनेस। यहाँ पे हम जो नोट करते हैं कि वो है अलूफनेस, डिसइंटरेस्टेडनेस, बिल्कुल स्केप्टिकल बिहेवियर और अलग थलग एक अनइमोशनल रवैया जो है हेनरी का। हाउएवर हिज चैट विद रिनाल्डी फर्दर अ सिंपैथेटिक इंप्रेशन ऑफ हाउ मैन बिहेव टुवर्ड एंड केयर फॉर वन अनदर। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट हमें नजर आती है, जंग के हवाले से तो वो कितने कोई रोमांटिसाइज नहीं कर रहा, वो जंग को कोई ग्लोरीफाई नहीं करता, लेकिन एक चीज जो हमें यहाँ पे नजर आती है वो है जो इम्प्रेशन, जो सिंपैथेटिक जो बिहेवियर है मेन का आपस में, जो सोल्जर्स का आपस में एक दूसरे की देखभाल है, प्रीस्ट का मिलने आना है, गिफ्ट लेके आना, रिनाल्डी का आना और दूसरे ऑफिसर्स का भी पता करना, हेनरी का ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप है, ये हमें जरूर ग्लोरीफाई होता भी नजर आता है ऑथर की तरफ से भी। व्हाइल एलिजियंस टू देयर कंट्रीज इज इन अ वे वॉलंटरी आफ्टर ऑल नो वन वांट्स टू फाइट दिस वॉर, और हमें सबकी बातों से यही पता चलता है कि नो वन वांट्स टू फाइट दिस वॉर, कोई नहीं जंग लड़ना चाहता, अंदर से सारे लोग ये जंग के खिलाफ हैं। मैन आर एक्सपेक्टेड टू शो अनकंडीशनल लॉयलिटी टू देयर फ्रेंड्स, और हमें जो अनकंडीशनल लॉयलिटी टुवर्ड वार, टुवर्ड्स ग्लोरी, टुवर्ड्स मेडल, टुवर्ड्स एटसेट्रा, ये हमें नजर नहीं आती। एक ही चीज में अनकंडीशनल लॉयल्टी नजर आती है, वो है फ्रेंडशिप में। उनकी नजर में ये ज्यादा नोबल एक्ट है। दिस एक्सपेक्टेशन एड्स टू ए कोड ऑफ द कंडक्ट पार्शियली एक्सपाउंडेड अपॉन अर्लियर व्हेन द ऑफिसर्स हैरेस्ड द प्रीस्ट फॉर हिज लैक ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइट्स। लव, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड हेल्थी सेक्सुअल एपिटाइट, दीज आर द ट्रेडिशनल ट्रॉप्स ऑफ मैस्कुलिनिटी दैट नॉवल सेलिब्रेट्स। नॉवल यहाँ पे हमें जो चीज हाईलाइट करता है, सेलिब्रेट करता नजर आता है, जिस चीज को ये वैल्यू दे रहा है वो लॉयलिटी, स्ट्रेंथ और रेजिलियंस है। मुश्किल में खड़े होना है स्ट्रेंथ के साथ और उसे बर्दाश्त करना है इसको, और हेल्थी सेक्सुअल जो एपिटाइट है वो होनी चाहिए, और दीज आर द ट्रेड्स ऑफ द मैस्कुलिनिटी, यानी ये वो ट्रेड्स ऑफ द जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं जो पुराने वॉर लिटरेचर में होता था कि हीरो का जंग लड़ना जो है, एकिलीज तभी बड़ा हीरो है जब वो वॉर लड़ता है, हेक्टर को डिफीट करता है और डिफाई करता है सारी चीजों को, और यानी वॉर में ग्लोरी फाइंड करता है, तो उससे बिल्कुल एंटी वॉर हीरो है ये। इन द लाइट ऑफ द हेनरीज इनडिफरेंस टू द वॉर मेडल्स, ये जो इसका इनडिफरेंस है टुवर्ड्स वॉर, टुवर्ड्स वॉर मेडल, टुवर्ड्स वॉर ग्लोरी, ये सारी चीजों उसके बावजूद आखिर वो यहाँ पे क्यों है, या शुरू में उसके अंदर जज्बात थे लेकिन ग्रेजुअली जो उसने वॉर एक्सपीरियंस की है तो उसने एक नया बिहेवियर अडॉप्ट किया है, इसको हम कह सकते हैं इनडिफरेंट बिहेवियर, यही स्टोसिज्म भी है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट द आर्गुएबल कनेक्शन बिटवीन हेमिंग्वेज हेनरी एंड अनदर हेनरी। तो हमें यहाँ पे एक और कनेक्शन नजर आता है, एक और हेनरी करेक्टर भी हैं, वो एक और नॉवल से हैं, कौन से, स्टीफन क्रेन का जो नॉवल है, ये इंट्रोडक्शन में भी एक दफ़ा हमने मेंशन किया था, स्टीफन क्रेन्स हेनरी फ्लेमिंग, उनका जो किरदार है वो हेनरी फ्लेमिंग है। द इनिशियल ओवर जीलस एंड ग्लोरी सीकिंग प्रोटेगनिस्ट, ठीक है, वहां पे हमें ये थोड़ा सा इसको हम तकाबुल कर सकते हैं, ही इज इन सर्च ऑफ सम ग्लोरी, ही इज ग्लोरी सीकिंग प्रोटेगनिस्ट ऑफ द रेड रेड बैज ऑफ करेज, वो नॉवल है द रेड बैज ऑफ करेज, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं टुवर्ड द एंड ऑफ द क्रेन्स सिविल वॉर मास्टरपीस, वो भी वॉर के बारे में, बट दैट इज अबाउट द सिविल वॉर विच हेमिंग्वे ग्रेटली एडमायर्ड एंड इंक्लूडेड इन हिज 1942 कलेक्शन मेन एट वॉर द बेस्ट वॉर स्टोरीज ऑफ द ऑल टाइम, मे बी वो शामिल है। फ्लेमिंग सेल्फ अब्सॉर्प्शन डिजॉल्व्स इनटू ए मैच्योर एंड क्वाइट डिग्निटी, वन कैन मेक ए स्ट्रॉन्ग केस दैट द स्टोइक फ्रेडरिक हेनरी इज एन आउटग्रोथ ऑफ हिज न्यूली सेल्फ पोजेस्ड
and respectable Henry Fleming. So Rinaldi, with his endless talk about the pretty girls and the frequent trips to the brothel, यहाँ पे हमें रिनाल्डी का पता चलता है जो बहुत ज्यादा बातूनी भी है और आमतौर पे जो उसकी बातों का महवर और मरकज होता है दैट इज प्रिटी गर्ल्स, और उसके अक्सर विजिट होते हैं ब्रॉथल की तरफ. एम्बॉडीज द ओवर एक्टिव मेल सेक्स ड्राइव्स, बट एज द प्रीस्ट सजेस्ट इन दिस कन्वर्सेशन विद हेनरी, सेक्स इज नॉट इनफ टू सेटिस्फाई अ मैन. यहाँ पे प्रीस्ट और इनकी जो डिस्कशन है हेनरी के साथ, वो हमें एक और लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लेके जाती है. वो टॉक्स अबाउट के प्रीस्ट जो है वो समझता है कि सेक्स सब कुछ नहीं है प्लेयर के लिए. द प्रीस्ट बिलीव दैट हेनरी लैक्स समवन टू लव, एंड व्हेन हेनरी प्रोटेस्ट ड्रॉज डिस्टिंक्शन बिटवीन लस्ट फॉर प्रोस्टिट्यूट्स और विच देयर इज नो शॉर्टेज अमंग द सोल्जर्स एंड ट्रू प्रोफाउंड लव. और हेनरी जो प्रीस्ट है, ही टॉक्स अबाउट लव, ही टॉक्स अबाउट गॉड, ही टॉक्स अबाउट लव. ये दोनों चीजें हमारे मेन करेक्टर उसे डिसिल्यूजन है और लव से वो दूर है. वो सिर्फ लस्ट पे को समझते हैं, सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है विदाउट एनी इमोशन, तो उनको फॉलो करता है. लेकिन प्रीस्ट की डिस्कशन उसको लेके जाती है एक और अंडरस्टैंडिंग की तरफ, विच इज लव. लव इन द प्रीस्ट एस्टिमेशन मेक्स ए मैन वांट्स टू गिव हिमसेल्फ, गिव ऑफ हिमसेल्फ एंड टू मेक सेक्रीफाइस द सेक ऑफ द अनदर. तो प्रीस्ट का ख्याल है, या प्रीस्ट एक नया आइडिया जो प्रपोज करता है कि लव जो है वो लास्ट तो हमें एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लेके जाती है. इन लास्ट रिलेशनशिप वी एक्सप्लॉयट अदर पर्सन, बट इन लव रिलेशनशिप वी गिव आवर सेल्फ टू अदर, यानी वी वांट वी गिव वी आर एबल टू सैक्रीफाइस बेसिकली. तो दूसरों का ख्याल रख सकते हैं हम, सैक्रीफाइस दे सकते हैं. ये मोहब्बत यानी लव ही है जो हमें सैक्रीफाइस का जज्बा हमारे अंदर पैदा करती है. ऑल्दो हेनरी रिमेन्स अनकन्विंस्ड, हिज इंक्रीजिंग अफेक्शन फॉर द कैथरीन हिंट्स. यहाँ पे हमें नजर आता है जब वो प्रीस्ट के साथ डिस्कस करते हैं गॉड, टॉपिक ऑफ द गॉड एंड टॉपिक ऑफ लव एंड लस्ट एंड आल्सो वॉर, तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि हेनरी जो है अभी भी अनकन्विंस्ड है. अनकन्विंस्ड है मतलब बिल्कुल एलूफ है, बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है. हिज इंक्रीजिंग अफेक्शन फॉर द कैथरीन हिंट्स दैट ही विल इनएविटेबली एक्सपीरियंस द काइंड ऑफ द पैशन. लेकिन यहाँ पे जो हमें हिंट मिलता है उसकी जो अफेक्शन फॉर कैथरीन है वो डिवेलप हो रही है. इससे पहले तो वो प्ले कर रहा था, अनइमोशनल एक लव गेम खेल रहा था जिसमें कोई इमोशन नहीं थे, उसे कोई मोहब्बत नहीं है. लेकिन ग्रेजुअली उसके अंदर अफेक्शन डेवलप हो रही है और ऐसे लगता है कि ये एक पैशनेट एक लव स्टोरी बन जाएगी. ऐसा हिंट मिलता है हमें कि वो ज़रूर लस से लव की तरफ आ जाएगा. द करेक्टर्स इन द फेयरवेल टू आर्म्स आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग सोलेस फ्रॉम अ वर्ल्ड रेवेज्ड बाय द वॉर. और यहाँ पे हमें सारे करेक्टर जो हैं जितने भी हैं वो हमें जंग से, जो जहन के अंदर जो लड़ाई का कॉन्सेप्ट है वहाँ से वो निकलना चाहते हैं. कॉन्स्टेंटली दे आर सीकिंग सुलेस, सुलेस कहते हैं आराम सुकून तक की तलाश में है कि हमें ये जंग से छुटकारा मिल जाए, जो लड़ाई की वजह से, जंग की वजह से जो उनकी जहनी हालत हो चुकी है. दिस सुलेस मोस्ट ऑफन एंड मोस्ट सिंपली कम्स इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल. अब इस लाइन से पहले पहले जैसे आदका ने भी लिख दिया था या एक दो और बच्चों ने भी, तो दिस सुलेस जो है उन्हें कहाँ मिलता है. बिल्कुल ये जवाब आपका ठीक था क्योंकि ये आगे लाइन मौजूद थी, कम्स इन द फॉर्म्स ऑफ एल्कोहल. इसलिए हमें कभी शहरी के बारे में पता लगता है, कभी कॉगने, कभी एल्कोहल के डिफरेंट अदर टाइप्स. तो हर करेक्टर हमें ऐसे लगता है कि वो टॉपिक उनका क्या होता है, लस्ट एंड वॉर, और उसके अलावा वो साथ साथ ड्रिंकिंग करते नजर आते हैं. बिकॉज दे सीक सुलेस, दे वॉन्ट टू फॉरगेट द पेन्स ऑफ द वॉर. थ्रू आउट द नॉवल वास्ट अमाउंट ऑफ द वाइन एंड द लिकर आर कंज्यूम्ड. पूरे नॉवल में हमें नजर आएगा कि बहुत ज्यादा मिकदार में वाइन और लिकर जो है वो इस्तेमाल होगा, जरूरत से बहुत ज्यादा. हेनरी डिपेंड्स अपॉन एल्कोहल एंड गोज सो फार टू कंसिडर इट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ हिज कन्वेलेंस. तो उनको लगता है कि एल्कोहल जो है वो बहुत जरूरी है. हेनरी इवन एंड मिस वान कॉम्पन रिफ्यूजेस हिम वाइन विद हिज मील, ही इमीडिएटली अरेंजेस टू हैव सम स्मगल्ड इनटू द हॉस्पिटल. और जब उसे हॉस्पिटल के अंदर इनकार कर दिया जाता है कि तुम्हें वाइन नहीं मिल सकती है या ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो वो वाइन स्मगल करवा लेता है. और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सोल्जर्स हैं वार के अंदर कितने डिस्टर्ब हैं और कितने डिपेंडेंट हैं वाइन के ऊपर, एल्कोहल के ऊपर. द सॉर्ट ऑफ द एस्केप इज अनअंडरस्टैंडेबल, दिस इज कॉल्ड एस्केप गिवन द रीडर्स ग्रोइंग इम्प्रेशन द फॉली ऑफ वॉर.
हमें फॉली ऑफ वॉर का जो कंसेप्ट है वो भी हमारे सामने आता है. जस्ट एज हेनरी इज स्कॉर्नफुल ऑफ मेडल्स एंड ऑनर दैट दे सपोजली बेस्टो, द नॉवल क्वेश्चंस वेदर द वॉर इज ट्रूली एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ सच लॉफ्टी एंड रोमांटिक डिस्टिंक्शंस. तो हेनरी को कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है मेडल के अंदर, बल्कि उसका एक स्कॉर्नफुल बिहेवियर है टुवर्ड्स मेडल, डिसिल्यूशन बिहेवियर है. एंड नॉवल साथ साथ क्वेश्चन करता है कि वार इज ट्रूली एन अप्रोप्रिएट फॉरम फॉर सच लॉफ्टी एंड रोमांटिक डिस्टिंक्शन, कि इस ग्लोरी के लिए जो है वो वार ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. क्या वार के अलावा इंसान जो है वो ग्लोरियस एक्ट नहीं कर सकता कोई और? क्या यही सिर्फ ग्लोरियस एक्ट की प्लेस है कि सिर्फ वार से ही हम तरक्की कर सकते हैं जिंदगी में? क्या जंग ही सिर्फ सोर्स है नाम बनाने का, ग्लोरी हासिल करने का, या मर्द बनने के जो मैस्कुलिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वार के साथ जोड़ रखा है कि जंग जो है वो मर्दों का काम है? क्या मर्दों का काम और कोई नहीं है कि सिर्फ जंग से ही हम अपनी जो है मैस्कुलिनिटी जो मर्द है वो प्रूव कर सकते हैं? ये क्वेश्चन करता है ये नॉवल. एज एविडेंस्ड बाय द प्रीपोस्टरस पर्पस फॉर विच हेनरी रिस्क हिज लाइफ इन बैटल गेटिंग सम चीज टू स्टॉप टू टॉप इस पास्ता. तो जो पास्ता है, जो मैक्रोनी है, पास्ता की एक टाइप है, उसके ऊपर चीज डालने के लिए वो अपने लाइफ का रिस्क लेता है कि ट्रेंच से वो डग आउट से बाहर आता है और दूसरे डग आउट में जाकर चीज पास्ता लेके आता है, चीज लेके आता है ताकि पास्ता पे डाल सकें वो लोग. और इससे हमें क्या नतीजा निकलता है, क्या साबित होता है, उसके बाद उसको जख्म भी आते हैं. द नॉवल्स सेवर्स एनी ट्रेडिशनल एसोसिएशन बिटवीन बैटल एंड द ग्लोरी. और यहाँ पे ये नॉवल क्या कर रहा है, इट सेवर्स मतलब काट देता है, डिस्टर्ब करता है वो जो ताल्लुक हमने बना लिया है किसके दरमियान, बैटल और ग्लोरी के दरमियान. ये जो बैटल है और इस ग्लोरी, हमने इसको जोड़ दिया है कि बैटल ही सिर्फ ग्लोरी का एक वे है. तो ये उस पर एक मौकरी है, क्योंकि हमारा ये इस नॉवल का हीरो चीज लेने के लिए, मैक्रोनी पे या पास्ता पे चीज डालने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालता है. और दूसरे सोल्जर कहते हैं कि तुम्हें क्यों ना हम लेके दें, मेडल लेके दें इस बात पे. सिमिलरली वंस हेनरी अराइव्स एट द हॉस्पिटल इन मिलान, द रीडर्स विटनेसेस एन इक्वल पैथेटिक एंड लुडिक्रस वर्ल्ड. यहाँ पे मिलान के अंदर जो उसके साथ होते हैं तो हमें पता चलता है कितनी पैथेटिक वर्ल्ड है, कितनी लुडिक्रस वर्ल्ड है, कितनी सेल्फिश लोग हैं. हम जो जंग के साथ एसोसिएशन रखते हैं ना, वो जब ओरिजिनल एक्सपीरियंस जो लोग करते हैं वही सिर्फ जान सकते हैं इसकी रियल साइड क्या है. इन विच द क्लम्सी एम्बुलेंस ड्राइवर्स कैनॉट मैनेज द वेट ऑफ द वाउंडेड सोल्जर. और जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, जो लोग स्ट्रेचर पे उठा के से लेके जाते हैं, वो कितनी क्लम्सीली लेके जाते हैं, पेनफुल तरीके से, इसके दर्द में इजाफा होता है, कोई इसको सुकून नहीं देते वो. एंड इनएप्ट नर्सेज, और हमें नर्सेज नजर आती हैं जिनको कोई दिलचस्पी नहीं है अबाउट सोलेस, अबाउट कम्फर्ट, अबाउट सिंपथी एटसेट्रा. देयर क्राई रादर देन केयर फॉर देयर पेशेंट्स. सो हम उनको देखते हैं क्राई करते हुए, चीखते चलाते हुए, बजाय केयर करने के वो अपने पेशेंट में दिलचस्प ले रही हैं, या इसको कोई एक वर्चू समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. और वो एक मैकेनिकल वे में अपना काम कर रही हैं, डिसइंटरेस्टेड वे में, अनइमोशनल वे के. ये हमारे आज तक के चैप्टर थे. उम्मीद है आप साथ साथ ये नॉवल पढ़ रहे होंगे. ये बिल्कुल मेरे पास पड़ा हुआ रेड कलर की मैंने न्यू कॉपी मंगवाई थी फेयरवेल टू आर्म्स की, और बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ते हुए मुझे. और ये क्योंकि ये ट्रेडिशनल वॉर नॉवल से बिल्कुल डिफरेंट है, तो किस तरह सच्चाई का दूसरा रुख हमारे सामने आता है, वार का वो रुख जो अगली है, जो पैथेटिक है, जो दुख और दर्द भरा है, यही रियलिटी है वार. दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर.